मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पर्यटन स्थल हनुमंतिया में चौथा जल महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम कमलनाथ ने कहा कि मुझे यहां पर आकर खुशी हुई है। इस दौरान सीएम बोले कि हम एमपी को अलग पहचान दिलाएंगे। जल महोत्सव का सीएम ने आगाज किया है। इस दौरान यहां एक माह तक स्पोर्ट्स एडवेंचर होगा। बताना चाहेंगे कि खंडवा जिले के हनुमंतिया में जल महोत्सव का शुभारंभ करने आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संत सिंगा जी का जयकारा लगवाते हुए कहा कि मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई है। जल महोत्सव में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत दिनों से तमन्ना थी कि इस क्षेत्र का दौरा करा जाए और ये एक बहाना मुझे मिला जल महोत्सव का उद्घाटन करने में। इसका क्या मायने है? महाउत्सव हम मना रहे हैं, जल महोत्सव मना रहे हैं, ये कैंप लगे हैं, ये पर्यटक के हम विभिन्न साधन और योजनाएं लाने काम प्रयास कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। इसका क्या मायने है? इसका मायने बहुत सरल है कि हमारा क्या लक्ष्य है पूरे मध्य प्रदेश का। हम रोजगार की बात करें, हम कृषि क्षेत्र की बात करें, हम पर्यटक की बात करें, पर सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा मध्य प्रदेश में है कि हम आर्थिक गतिविधि कैसे मध्य प्रदेश में बढ़ाएं। आर्थिक गतिविधि से ही हमारे नौजवानों का हमारे आगे हम मध्य प्रदेश को अलग पहचान दिलाएंगे। मंत्रिमंडल के साथियों को संबोधित किया और फिर वे जनता से मुखातिब हुए। सीएम कमलनाथ ने इससे पहले हनुमंतिया में होने वाले जल महोत्सव का शुभारंभ किया। यहां एक महीने तक वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर के तहत कई गतिविधियां होंगी। उन्होंने यहां आंगनवाड़ियों के लिए टैबलेट प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया और करोड़ों रुपयों के कार्यों का भूमि पूजन भी हनुमंतिया में ही किया। वहीं हम आपको बता दें कि पर्यटक स्थल हनुमंतिया में यह चौथा जल महोत्सव हो रहा है। इस महोत्सव में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री तुलसी सिलावट, पर्यटक निगम के मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, मांधाता विधायक नारायण पटेल, बुरहानपुर विधायक सुरेंद्र सिंह ठाकुर उर्फ शेरा भैया सहित टूरिज्म डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सहित कलेक्टर एसपी व अन्य मौजूद रहे। वहीं 72 करोड़ की लागत से 35 विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खंडवा शहर के लिए 1,60,00,000 की लागत से एसएन कॉलेज में जिम का निर्माण सहित 6,91,00,000 की लागत से एसएन कॉलेज में 100 सीटर बालक बालिका छात्रावास निर्माण का भूमि पूजन किया। DNU के लिए खंडवा से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।